हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईबीपीएस पीओ 2020 का क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड कटअप, क्योंकि आज जो है लास्ट सिटिंग एग्जाम का खत्म हो चुका है और जो भी स्टूडेंट का अटेम्प्ट है उसके आधार पे एक एक्सपेक्टेड कटअप जो है मैं बताना चाहूंगा, आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर इतना आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो सेफ अटेम्प्ट आपका क्या है, सेक्शनल कट ऑफ कितना कितना जा सकता है अलग अलग सब्जेक्ट के, ओवरऑल कट ऑफ क्या हो सकते हैं। पिछले वर्ष की कट ऑफ से भी हम लोग कंपेयर करेंगे, सेक्शनल कट ऑफ का भी, ओवरऑल की कट ऑफ का भी, नंबर ऑफ सीट्स का भी और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ एप्लीकेंट, नंबर ऑफ अपीयरेंस, ये कंप्लीट जो है डिस्कस करने के बाद एक जो है ओवरऑल कट ऑफ मैं एक्सपेक्टेड आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो देखने के पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो देखिए, इस बार का कट ऑफ जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है कि हमेशा होता है क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल से, कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो क्वेश्चन का लेवल देखिएगा कि आईबीपीएस पीओपीटी का जो लेवल ऑलवेज रहता है लगभग वही पेपर है, इसमें ज्यादा कुछ उतार चढ़ाव नहीं है। तो कोई ड्रास्टिकली जो है, मतलब ऐसे भी देखिएगा तो पहले भी उसका मॉडरेट रहता है, मॉडरेट ही रहता है, न इजी रहता है न डिफिकल्ट रहता है, बल्कि मॉडरेट उसका नेचर है आईबीपीएस पीओपीटी का, तो लगभग उसी तरह का है। किसी सेक्शन में किसी सब्जेक्ट का इंक्लिनेशन हो सकता है कि मतलब कि इजी हो और किसी में मॉडरेट से डिफिकल्ट की ओर हो सकता है। तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो जो मॉडरेट से डिफिकल्ट की ओर होंगे उनके मार्क्स बढ़ेंगे और जो इजी होंगे उनके मार्क्स घटेंगे। तो इस तरह से कुल अगर मिला करके देखा जाए तो क्वेश्चन का लेवल लगभग वही रहा है। फिर उसके बाद से जो सबसे दूसरा सबसे फैक्टर इस बार है नंबर ऑफ सीट्स। तो नंबर ऑफ सीट्स देखिएगा कि 2018 में नंबर ऑफ सीट्स 4102 थे और 19 में बढ़ करके सीटों की संख्या जो है 4336 हो गई, मतलब सीटों की संख्या बढ़ गई। लेकिन देखिएगा कि जो कट ऑफ है वो सीट बढ़ने पे कट ऑफ घटना चाहिए लेकिन कट ऑफ बढ़ गया। जैसे 2018 में कट ऑफ जो है 56.75 था जब सीट्स थे 4102, और जब सीटों की संख्या 4336 हो गई 2019 में तो कंपेरेटिवली कट ऑफ गिरना चाहिए, लेकिन ये कट ऑफ आपका बढ़ के हो गया 59.75। तो इस तरह से अब इस बार जो है 1/3 सीटें कम है, मतलब जो रिपोर्टिंग की बात करेंगे तब ऐसे जो नॉट रिपोर्टेड है उसका संख्या बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है और ये सीटें जो है 3500 के आसपास जा सकती हैं। अभी 1447 सीट्स है, तो ये सीटों की संख्या बढ़ सकती है जो कटअप को थोड़ा नीचे ला सकता है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा नीचे ला सकता है, इस तरह से आप मान सकते हैं। तो अब इस बार जो है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से देखिएगा कि एप्लीकेंट भी कम है तो वो भी एक कारण है। फिर उसके बाद से नंबर ऑफ अपीयरेंस भी कम हो रहा है स्टूडेंट का, फिर फ्रेशर स्टूडेंट कम है क्योंकि इस साल जो है फाइनल रिजल्ट ही नहीं आया, और फिर उनका फिजिकल जो कोचिंग का फैसिलिटी है वो सब खत्म है। तो उससे फिर पिछले वर्षों में देखिएगा बहुत सारे वैकेंसीज आए थे और उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस देखिएगा अभी ही ज्यादा हैक्टिक हो गया है इसी एग्जाम के दौरान। तो ये सब चीजें जो है कट ऑफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। फिर अब कट ऑफ हम जब सेक्शनल कट ऑफ देखते हैं तो देखिएगा कि जो क्वांट का सेक्शनल कट ऑफ है वो आज तक कभी भी डबल डिजिट में नहीं गया है। 2018 की बात करेंगे तो 7.75 था और 2019 की बात करेंगे तो 8.75 था, और इसके पहले कभी भी डबल डिजिट में क्वांट का कट ऑफ नहीं गया है सेक्शनल कट ऑफ। तो इस बार जो है संभावना है, जिस तरह से सीटों की संख्या कम है, अपीयरेंस भी कम है,
और फ्रेशर भी कम है, तो लगता है कि ये 9-10 हो सकता है क्वांट का कट ऑफ, 9-10 हो सकता है ऐसा मान सकते हैं। फिर इंग्लिश का जो पेपर है उसमें देखिएगा, पिछले वर्षों में 2018 में 8.75 था और 2019 में 10.5 था, मतलब डबल डिजिट में था पिछले बार। तो इस बार भी आप जो है 11-12 के आसपास इंग्लिश का मान सकते हैं कि इंग्लिश का जो सेक्शनल कट ऑफ है 11-12 मार्क्स हो सकता है। और रीजनिंग का जहां तक प्रश्न है, तो रीजनिंग जो है पिछले साल 10.25 था, उसके पिछले साल 9 था कट ऑफ, तो इस बार 11 के आसपास जो है रह सकता है। तो इस तरह से अगर बात करेंगे सेक्शनल कट ऑफ का, तो क्वांट में आपको 9-10 रह सकता है और इंग्लिश में आपको 11-12 के आसपास रह सकता है और रीजनिंग में 11-12 के आसपास रह सकता है। तो इस तरह से ये सेक्शनल कट ऑफ हो गया। अब ओवरऑल कट ऑफ क्या हो सकता है, तो देखिए जिस तरह से लोग इस बार जो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो देखिएगा कि वो जो है 45 से 50 के आसपास मार्क्स जो है प्राप्त कर सकते हैं रीजनिंग और मैथ में, क्वांट में, क्योंकि उसमें आप एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन जहां तक इंग्लिश का अटेम्प्ट है, तो वो जो है मतलब उसमें एक्यूरेसी कम रहती है मैथ और रीजनिंग की कंपेरेटिवली। तो उस हिसाब से ऐसे देखिएगा कि जैसे अगर सेफ अटेम्प्ट की लोग बात करते हैं, तो 70 बोलते हैं कि सेफ अटेम्प्ट है, 70 प्लस। लेकिन देखिएगा कि 70 प्लस वही लोग पहुंचे हैं जो लोग 25 या 30 अटेम्प्ट कर रहे हैं इंग्लिश में, जिसमें एक्यूरेसी की समस्या है। तो इस तरह से अगर टोटल ओवरऑल अगर सीटों की संख्या, फिर कोविड का इम्पैक्ट, फिर उसके बाद से क्वेश्चन का लेवल, अगर सब चीज को कंपेयर करके हम देखते हैं, तो इस बार कटअप जो है 55 से 60 के बीच में कहीं भी हो सकता है। और अगर सीटों की संख्या नहीं बढ़ी तो वो 61-62 भी हो सकता है, और सीटों की संख्या बढ़ गई तो 55 भी आ सकता है। तो मेरा मानना है कि इस बार जो है 55 से 60 के बीच में कट ऑफ रहेगा, और अगर ये सीटों की संख्या नहीं बढ़ती है तो फिर आपको 61-62 भी जा सकता है, और अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो 55 भी आ सकता है। तो इस तरह से अगर देखिएगा, तो ये सब पूरे अगर आप पहले से प्रिपेयर कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर आप इस दायरे में आते हैं, इस रेंज में आते हैं, या इससे कम भी है, आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा रहता है, तो ओवरऑल मिला करके जो है आप मेंस की तैयारी अभी से शुरू कीजिए। और मेंस की तैयारी के लिए मैं देखिएगा अलग से पूरा जीके और करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, ये सब बैंकिंग अवेयरनेस, गवर्नमेंट स्कीम, ये सब में मैं कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लगभग 100 से भी अधिक, वो सब वीडियो आप देख करके बेनिफिटेड हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, नमस्कार।